बुरहानपुर में कांग्रेस के बाद अब भाजपा में भी बगावत दिखने लगी है। हर्षवर्धन सिंह चौहान को टिकट न मिलने से पार्टी को खासी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। जन समुदाय के साथ उन्होंने भी अपने उद्बोधन में कहा कि पार्टी अगर एक बार पूर्ण विचार करती तो ठीक है, नहीं तो हर्षवर्धन नंद कुमार सिंह चौहान जनता के फैसले के साथ होगा। हर्षवर्धन ने बगावती सुर में दो दो बार वादे के बाद भी टिकट ना देना फरेब बताया। उन्होंने कहा जनता का आदेश शिरोधार्य होगा, उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। लगातार दूसरी बार निमाड़ की जनता के साथ फरेब हुआ, लगातार दूसरी बार हमें धोखे में रखा गया। पहले ही इनके द्वारा कहा गया था कि हारे हुए कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाएगा, वो भी जो निर्दलीय से हारे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, ऐसे लोगों को टिकट मिल गया। बहरहाल अब आज तो मैं शहर में आया हूँ, सबसे चर्चा करूँगा, जनता का सेवक हूँ और जो मालिक कहेगा वो सेवक करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा का झंडा लहराने के लिए अपना जीवन दान पर रख दिया और उसी गाड़ी पर सवार होकर आज हमारा भतीजे को हम लेने आए हैं। जैसी जनसेवा नंद कुमार सिंह चौहान ने करी, जैसी जनसेवा ये करेगा, ऐसा हमारी उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है। जब जब भी चौहान परिवार पर राजनीतिक संकट आया है, चार वाला परिवार उसके साथ खड़ा है। के हर निर्णय के साथ मनोज तारवाला तन मन धन से खड़ा है। आगे बोला था पिछली बार टीवी चुनाव हारी है, इस बार भी ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं है। और हमने मांग करी थी कि नंदू भैया के बेटे को टिकट दिया जाए, वो इसलिए कि नंदू भैया ने 40 साल अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए लगा दिया और फिर भी वहाँ से टिकट दीजिए को मिल गया, तो उसका ये प्रक्रिया दिख रही है अब तक। अब यह तो हमको मालूम नहीं था ये क्या हुआ कैसा हुआ, लेकिन सब लोगों को बहुत नाराजगी है और पार्टी ने जरा थोड़ा कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए था, शांति सोचना चाहिए था।